तो फादर को बोला था कि थोड़ी सी तमीज भी सिखा दें आपको। मैडम ये कॉलेज का सबसे गुंडा है। मेरे ना फादर पे मत जाना, मेरे फादर पे मत जाना, ठीक है? नहीं तो क्या मैम, ये फोन छोड़ दो आप मैम, प्लीज प्लीज मैम। ये खुल क्यों नहीं, खोल लो। ये खुल क्यों नहीं रहा? मैंने बताया ना, क्रिमिनल माइंड चलता है, क्रिमिनल माइंड। इट्स लॉक बिकॉज मैं मर्डरर हूँ, मैं किडनैपर हूँ। मैं पहले किडनैप करता हूँ फिर मर्डर करता हूँ। नैना मैम राइड आप ही की, आप पीछे नहीं बैठे। और मुकेश भाई क्या हालचाल? थैंक यू यार, इस रोड पे ना वो टैक्सी भी नहीं मिलती। आ जा, कोई चक्कर नहीं, कोई चक्कर नहीं। थैंक यू। एक्चुअली एक मिनट, आप तो हाँ ये मेरे फ्रेंड है। बस मैं थोड़ा आगे तक ही जाना है, इस रोड पे वैसे ही टैक्सी नहीं आ रही। एक बार मेरा कंसेंट तो ले लेते आप। मैम कंसेंट वाली इसमें कौन सी बात है? आपने कंसेंट लिया था आगे बैठने से पहले? अभी तो बैठ ही गए थे ना। ये मेरी गाड़ी है, फिर करवाई थी। I booked this, right? मैम आपने बुक करवाई थी, आप आपने परचेज नहीं करी थी ये गाड़ी। आपने परचेज की है ये गाड़ी? तो ऑब्वियसली इस गाड़ी का मेरी गाड़ी है। क्या लाइसेंस दिखाऊं आपको? कमर्शियल यूज के लिए क्यों यूज कर रहे हैं मैम? आपको रूल ओनर तो मैं ही हूं, ओनर तो मैं ही हूं इस गाड़ी का। मैंने आपसे लिफ्ट नहीं मांगी है, मैं आपको पैसे दे रही हूं। सॉरी मैम, मेरी वजह से आप लड़ो ना पड़ो, मैं प्लीज सॉरी यार। मतलब मैम बस ये ठीक है मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे इनसे प्रॉब्लम। एक बार अगर ये मुझसे पूछ लेते कि मैम क्या मैं बिठा दूं इनको, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इतने ज्यादा केसेस होते हैं, हाउ कैन आई ट्रस्ट यू गाइस? क्यों पूछ लेता? गाड़ी मेरी है, मेरा दोस्त है, मैंने बिठा लिया तो क्या हो गया इसमें? आपको अगर इतनी भी आपको अपनी गाड़ी से प्यार है तो फिर इसको क्यों आप कमर्शियल यूज के लिए ला रहे हैं? फिर अपनी किसी को भी बिठाते, अपने दोस्तों को बिठाते तो नहीं करते राइड बुक ना। तो मेरी रोटी क्या आपके घर से बन के आनी है? कहाँ से बन के आनी है? सॉरी मैम, आप मेरी वैसे आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए ना। फिर किसकी रिस्पेक्ट? तो फिर रिस्पेक्ट अगर मैं आपको पे कर रही हूँ। हाँ तो रिस्पेक्ट चाहिए तो रिस्पेक्ट दो भी। मैंने आपसे बदतमीजी की? तो मैंने कौन सी बदतमीजी कर दी? मैं भी तो आराम से ही बात कर रहा हूँ। ये आराम नहीं है, आपकी आवाज़ इतनी ऊँची है। प्लीज भरत भाई, अब मेरी वजह से ना लड़ो। सॉरी मैम, सॉरी माय मिस्टेक। बस थोड़ी दूरी जा रहा हूं। सॉरी किस लिए कर रहे हो यार? गलती नहीं है इसमें, ये बदतमीजी कर रहे हैं। आपने नशे किए हैं क्या? नहीं। आर यू हाई? सुनाऊं क्या? वो तो पुलिस को सुनाना अपना, अगर बीच में मिल गई तो यार हमारी गाड़ी, हम जो मर्जी करें। तो नहीं लानी थी ना? क्या नहीं लाना था? मेरे ड्राइवर बनके यू केम टू पिक मी। ओ हेलो ड्राइवर, ड्राइवर किसको बोला? ड्राइवर किसको बोला? क्योंकि आप ड्राइव कर रहे हैं। पायलट बोलो, ऑनर है गाड़ी के। आप मैं गाड़ी अभी क्या कर रहे हैं? ये ड्राइव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो ठीक है। इनको मैं पायलट बोलूं, इनको पैसेंजर बोलूं, इनको बैक सीट में जो बैठते बैक सीट पैसेंजर बोलूं? He is driving right now, he is a driver। मैम इसके फादर ने बड़ी मुश्किल से इसको काम पे लगाया है। तो फादर को बोला था कि थोड़ी सी तमीज भी सिखा दें आपको। मैडम ये कॉलेज का सबसे गुंडा है। मेरे ना फादर पे मत जाना, मेरे फादर पे मत जाना, ठीक है? नहीं तो क्या यार, छोड़ ना यार। तू ये कॉलेज की लाइफ थोड़ी है, अब बड़े हो गए हम यार। छोड़ इसको, बात तो नहीं छूटने वाली। Wherever you are dropping me, फिर वहाँ पे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। मेरी वजह से ना लड़ो प्लीज यार। मैं मतलब मैम इंसानियत के नाते थोड़ी दूरी जाना है मुझे बस। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ सर, मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ड्रॉप कर देंगे। बट द थिंग इज कि आजकल पता है आपको कैसा जमाना है। नहीं आपकी बात सही है। मी एज अ गर्ल हाउ कैन आई ट्रस्ट? आप पीछे बैठे हैं, मैं कैसे मतलब चीज़ों पे ट्रस्ट करूँ? मैं आपको नहीं आप मुझे जानते हैं? आप अपना नाम बताना जरा प्लीज। नैना। क्या आप मुझे जानते हैं? नहीं। क्या आपको लगता है कि सच में मैं ही कैब ड्राइवर होऊंगा? मैं भी तो क्रिमिनल हो सकता हूँ, ये भी तो हो सकता है कि मैंने भी दो मर्डर करे हों। मेरी वजह से प्लीज आप मत लड़ो यार। मैम सॉरी मैम, मेरे को लगता है भरत भाई छोड़ो इस बात को, कुछ रखा नहीं मैम। आप भी प्लीज़ इस बात को मिट्टी डालो। आप भरत को जानते नहीं हो और ये काम कर रहा है, इतनी बहुत बड़ी बात है। टैक्सी चला रहा है ना, ये बहुत बड़ी बात है। टैक्सी चलाने की ज़रूरत है किसको? मुझे मालूम है मुकेश भाई। बताओ यार, बताओ आप जैसे लोगों से ना मैं मिल चुकी हूँ ऑलरेडी। आप जैसे लोगों से कहने का मतलब क्या? कि जो ऐसे शो करते हैं अरे हम तो बस शौक के लिए चलाते हैं उबर एंड हमारे तो हमें तो जरूरत। मैं शौक के लिए नहीं चलाता, मेरे को तो चाहिए होते हैं शिकार, मुझे शौक है मर्डर करने का। मैम प्लीज मैं बताता हूँ, एक्चुअली में हम कॉलेज के फ्रेंड्स हैं और इसके पास बहुत पैसा है। अभी क्या कहा इन्होंने? मुझे मर्डर करने का शौक है। कह रहा है मैम वो उसने पहले भी 2 मर्डर किए हुए हैं और बहुत ब्रूटल। मैम ये फोन छोड़ दो आप, मैम प्लीज प्लीज मैम ये खुल क्यों नहीं रहा? खोल लो। ये खुल क्यों नहीं रहा? मैंने बताया ना ऐसा क्रिमिनल माइंड चलता है, एक क्रिमिनल माइंड। इट्स लॉक बिकॉज मैं मर्डरर हूँ, मैं किडनैपर हूँ। मैं पहले किडनैप करता हूँ फिर मर्डर करता हूँ। अच्छा भाई तुम पिस्तौल मत निकालियो प्लीज़, तेरा गुस्सा मुझे पता है। मैम कॉलेज में भी ना 2-3 बार फायरिंग कर चुका है ये और 2 मर्डर किए मैम और ये अभी भी पेरोल पे ही है। आई एम सो सॉरी। वही ठीक रहेगा मैम, कोई फायदा नहीं है बात बताने का। मैं नहीं चाहता कि आराम से जहाँ पर भी आपको ठीक लगता है बस मुझे ड्रॉप कीजिए। अब आई ना लाइन पे ये बात तो है। और बस भाई अच्छे अच्छों को सीधा कर दिया मैंने, ये तो मूली किस खेत की थी। तू ना प्रोवोक कर रहा है कस्टमर को। मैंने फोन रहने दो, फोन मैम कोई फायदा नहीं है। क्या फोन आप किसको कर रहे हो? मैम देखो कोई किसको कर रहे हो ना मैडम, पंगा पड़ जाएगा और एक तीसरा मर्डर और ना चल जाएगा। मैम प्लीज़ मैम मैं उसकी तरफ से सॉरी बोल रहा हूँ ना भरत भाई, मैं बोल रहा हूँ तू यार तू क्यों गुस्सा कर रहा है यार? नहीं फ़ोन किसको मिलाना है? किसको मिलाना फ़ोन? मैं मिलाऊँ? मैं अपने बंदे को फ़ोन मिला रही हूँ। तो बंदा भी रखा हुआ देख लो। प्रॉब्लम यार प्रॉब्लम मेरे को इसी चीज़ से मेरे को प्रॉब्लम है कि बंदा भी रखा हुआ है। बंदा भी रखा हुआ है मतलब क्या? और किसको मैंने रखा हुआ है? बंदा भी रखा हुआ है। व्हाट इज दिस? अभी खुद ही तो बोला कि मैंने बंदा रखा हुआ। इस तरह की लड़कियों से इसको बहुत नफरत है। बहुत नफरत पड़ जाएगा हाँ मैम, ये ना चाहता है कि लड़कियों के बॉयफ्रेंड। मैं भाई को फोन कर सकती हूँ अपने आप मसला सॉल्व करा। इस एरिया का ना मैं भाई हूँ, किसी के भाई से डरता नहीं हूँ मैं। मिलाना फोन मिलाओ, कराओ बात मेरी अपने भाई से। कर रहा है भारत जब मामला सुलझ रहा है तो तुम दिखे पता नहीं क्यों आया यार। प्लीज़ यार अपने भाई की बात नहीं सुनेगा तो मेरी वजह से सारा पंगा क्रिएट हुआ है यार सारा। भैया आपका नाम क्या है? ये ना भैया भैया किसी और को बोलना, मेरी अपनी बहन है मुझे और बहनों की जरूरत नहीं है। क्या करना है मेरे नाम पर? कंप्लेंट करनी है? नहीं मैं DSP को कंप्लेंट कर दूं। मैं जानना चाहती हूँ अपना नाम क्योंकि आप एरिया के भाई हैं ना, जानना चाहती हूँ यार। मैं ना ऐसे किसी भी लड़की को अपना नाम नहीं बताता, फिर पीछे पड़ जाती है। मैम नाम छोड़ो ना, आप क्यों बात को बढ़ा रहे हो? मैं बात को खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप ना इनको ना अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। आई गेस मैं लोकेशन चेंज कर, मुझे पहले ही उतरना है। आप उतार दोगे ना? वैसे भी आपको मैंने चिड़ी लग रही होगी तो उतार दूँगी। नहीं नहीं मैं वहीं पर उतारूँगा। ऐसे के रास्ते में लोकेशन चेंज कर लोगे ऐसे कैसे? यार यार तो बात ओ यार वहाँ तक के वो बंदे यार 450 रुपये ऐसे रास्ते में। पैसे की कमी है। मैं पैसे आपको उतना ही दे रही हूँ, बस आप मुझे पहले ड्रॉप कर दो। क्या खैरात दे रहे हो क्या मैडम? उसकी पैसे पूरे दे रहे हो क्या? खैरात दे रहे हो क्या? तो कम तो फिर बोल रही हूँ कि कम पैसों में उतना तक छोड़ मैडम आप। मैं तो वहीं छोड़ू, इस बात से छिड़ जाएगा वो, कोई फायदा नहीं मैडम। इसकी ईगो बहुत बड़ी है। जहाँ की लोकेशन भरी है मैं तो वहीं छोड़ूंगा। पंगा लेने से पहले ना किसी को सोचना चाहिए मेरे से यार। अब अननोन पर्सन उसको क्या पता था बारे में? तो जब पता नहीं है ना तो इनको भी पता होना चाहिए कि जिसके अगले के बारे में नहीं पता उससे पंगा मत लो। चल यार बंदी चुप है, तू क्यों प्रवोक कर रहा है? क्या हो गया यार? मेरी वजह से मैं गाड़ी में आ गया, तू मेरी वजह से चुप हो जा प्लीज। एक तो ये ना मतलब क्या एक मतलब सिर्फ ये होता है भी चल यार घर वाले थोड़ा शांत रहते हैं कि बंदा डेली काम पे निकल रहा है, 4 पैसे कमा के घर पे ला रहा है। लोगों को ये लगता है कि ये तो ड्राइवर है। तो ड्राइवर लोगों को कुछ समझते ही नहीं है लोग। भाई अब तो टैक्सी चलाएगा तेरे को ड्राइवर ही समझेंगे ना, अब तेरे को कोई वो पायलट तो समझेगा नहीं। इस बात को तो समझ मेरे भाई, अब कुछ नहीं बोल। तो इस काम की कोई इज्जत नहीं है क्या? दिख रहा डर उनके चेहरे पर दिख रहा है। आप डर गए हो गया? तो रो तो नहीं रहे, आंखें दिखाना, आंसू तो नहीं आ रहे? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। पक्का ना? हाँ जी। एक गुड जेस्चर दे, एक रुमाल दे, तो साफ करेंगे आंखें। तो अच्छी अच्छी बातें की। नहीं मैं उससे भी अच्छा कुछ बताता हूँ आपको। ये कैमरा लगा ना सामने। एक्चुअली हम यूट्यूब प्रैंक शूट करते हैं, तो अभी आपके साथ हम प्रैंक कर रहे थे। आप तो सच में डर गए। सच्ची में प्रैंक था मैम। ऐसे भी विश्वास नहीं करेंगे वो। आप सच में डर गए? एक्चुअली मैं क्या क्या चैनल है आपका? बी बॉयज प्रैंक्स। ये मेरी वीडियो है मैम। मुझे थोड़ा सा तो लगा कि शायद मैंने आपको कहीं देखा है, पर फिर नहीं, मुझे लगा कि क्योंकि इतना नेचुरल लग रहा था ये सब कुछ। पर आप लोगों को ऐसे प्रैंक नहीं करना चाहिए ऑनेस्ट। सॉरी एक्चुअल लोग हैं मैम, हमारी ना भूख है एक्टिंग की, अब क्या करें। तो असली लोगों को मत अपना शिकार बनाइए प्लीज़। नकली लोगों को बनाइए मैम। जो अभी हमने आपके साथ प्रैंक करा, इतना डराया, उसके बदले अगर हम आपकी ये जो राइड है ये फ्री में आपको गिफ्ट करें, चलेगा?